तो सर चलो शुरू करते हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक रोटेशनल मोशन। सर बहुत स्टूडेंट डरता है इस रोटेशनल मोशन से, क्यों डरता है, क्या है रोटेशनल मोशन में, इतना टफ है या फिर सच में हम लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता इसीलिए टफ लगते हैं। चलो सर आज वही देखेंगे कि कॉन्सेप्ट सच में टफ है या फिर इजी है। ओके, बट इतना पक्का है अगर रोटेशनल मोशन को तुम जान लोगे, इफ यू ग्रैस्प दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन डू मेनी एमसीक्यूज इन द कंप्लीट एग्जाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द रोटेशनल मोशन। सर हम लोग जब छोटे थे हम लोग पढ़े थे सर, पहला एक है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या, सिंपल वन लाइनर, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ में हम लोग को कौन मोशन क्रिएट करता है सर, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। और हम लोग कैसे लिखेंगे सर, सिंपल सा है सर, एक ऑब्जेक्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हम लोग लिख सकते हैं। यस सर हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे, एकदम पढ़े थे। अब सर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये नेक्स्ट पॉइंट आया तुम्हारा रोटेशन। नाउ ये वर्ड में ही तुम्हारा सब कुछ है, रोटेशन। तुम एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो, देखो मैं इसको घुमा रहा हूं, ओके okay, या फिर मैं मोबाइल को घुमा रहा हूं, देखो मोबाइल को मैं घुमा रहा हूं सर, एक चीज ध्यान से दो, जब भी मैं घुमा रहा हूं मेरा हाथ, ये जो हाथ है एक जगह फिक्स है, देखो हाथ एक जगह फिक्स है, अगर हाथ फिक्स नहीं रहेगा तो मैं इसको घुमा नहीं पाऊंगा, तो मेरा हाथ फिक्स रहेगा और मैं एक जगह पे ऐसे फोर्स दे रहा हूं, मैं एक जगह पे ऐसे फोर्स दे रहा हूं तभी ये घूमेगा, ये सर तभी ये घूमेगा। तो सर व्हाट इज दैट की पॉइंट, the key point lies is the axis is required for rotation sir, what axis, now we term this thing a fixed axis is termed as generally used fixed axis abhi tak, okay, so ye axis chahiye fixed ya fir variable ho sakta hai, but wo variable wala cheez hum log baad mein dekhenge सर। फिक्स एक्सिस सर कभी हम लोग किए हैं फिक्स एक्सिस, बोलो हाँ तुम लोग किए हो, क्लास 9 में ही किए हो सर, इन क्लास 9 वी हैव डन दिस रोटेशन, वी हैव डन दिस रोटेशन। नाउ हाउ डू यू रिमेम्बर यूसीएम, व्हाट इज यूसीएम सर, यूसीएम इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एनी टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन इज अ बेसिक केस ऑफ रोटेशन। हाँ सर यस, बोलो यस, याद करो जब तुम सर्कुलर मोशन किए थे तुम हाथ में एक रस्सी पकड़ के उसको घुमा रहे थे, याद है, यू यूज टू पुट योर हैंड फिक्स्ड इट समवेयर एंड अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, देन यूज टू रोटेट इट, हाथ तुम्हारा फिक्स हुआ करता था, हाथ फिक्स हुआ करता था, या फिर हाथ घुमा भी सकते थे, बट हम लोग ने क्या फेस किया था, वॉट वी हैव डन की कीपिंग अवर हैंड फिक्स। चलो सर इसी को एक बार स्टडी करते सर, यूसीएम को स्टडी करेंगे सर, कैसे स्टडी करेंगे सर, टॉप व्यू एकदम ऊपर से देखेंगे तो क्या नजारा आएगा, चलो एक बार देखते हैं सर, ऊपर से देखेंगे, देखो ये नजर आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सिस, यस सर ये बनेगा मेरा एक्सिस, ये बनेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये बनेगा तुम्हारा रस्सी, ये बनेगा ऑब्जेक्ट, ये बनेगा रस्सी, और इसको हम लोग बोलेंगे, मैं इसको बोलूंगा फिक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे सर, हम लोग बोलेंगे उसको फिक्स एक्सिस, देखो याद रखो आई एम यूजिंग द टर्म फिक्स एक्सिस। Now, let it is moving with velocity
be instantaneous at this moment. सोच लो इस वक्त उसके पास क्या है, उसके पास है be instantaneous. सर वी हैव ऑल्सो सीन वॉट इज टर्म्ड एज ओमेगा. या सर ओमेगा इंस्टेंटेनियस हम लोग किए थे सर जब हम छोटे थे. बी इंस्टेंटेनियस बाई आर. नाउ दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, नॉट ऑलवेज करेक्ट, दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, बट इन दिस केस इट इज एप्लीकेबल. नाउ वॉट वी नीड टू डू, वॉट वी नीड टू डू, चलो सर हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी निकालने की क्या जरूरत है? चलो सर निकाल के देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी. सर हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी इज वॉट, हाफ एम बी इंस्टेंटेनियस. बढ़िया. और सर आपको पता है कि v इंस्टेंटेनियस का मतलब है ओमेगा इंस्टेंटेनियस इंटू आर. अरे सर इफ यू डोंट नो ओमेगा का मतलब क्या था. सर ओमेगा का मतलब व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. कोई भी सर्कुलर मोशन में ओमेगा को हम लोग क्या बोलते थे, एंगुलर वेलोसिटी. और इस वक्त भी इंस्टेंटेनियस ये था, इस वक्त ओमेगा ये. अब सर इसको यहां पर रिप्लेस करो तो काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करेंगे, आएगा हाफ एम इंटू ओमेगा इंस्टेंटेनियस इंटू आर था होल स्क्वायर. बढ़िया. सर इसको लिख लीजिए हाफ एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंस्टेंटेनियस होल स्क्वायर. ये भी बढ़िया. तो सर क्या हुआ, सर कुछ नहीं हुआ, मैंने एक स्टाइल लिखा. अरे एक स्टाइल है. अब ये स्टाइल को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ. हाफ दिस इज अ कॉन्स्टेंट, लेट्स नेम इट एज आई इंटू ओमेगा इंस्टेंटेनियस. सर ये कॉन्स्टेंट कैसा है. सर देखो मास, तुम रस्सी का लेंथ बदल नहीं रहे हो. दिस इज कॉन्स्टेंट फॉर दिस अरेंजमेंट. याद रखो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए ये कॉन्स्टेंट है. सर हर वक्त ये एमास कर होगा, मैंने थोड़ी बताया, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया. बस ये अरेंजमेंट. सर क्या अरेंजमेंट, कि एक फिक्स एक्सिस है, उस एक्सिस से आर डिस्टेंस में एक मास है एम एंड इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. एंड दिस आई इज टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का शॉर्ट फॉर्म MOI. सर गलत, यू कांट राइट लाइक दिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the stone about this axis. This is the complete statement, moment of inertia of this stone about this axis is termed as inertia. Sir, इसका मतलब कोई भी body ले लो, सबका moment of inertia m into r square होगा. मैंने पूरी बताया. Now यहाँ पर इस stone को हम लोग काम करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट, छोटा. सर जब अगर बड़ा बॉडी आएगा तो क्या होगा, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे. तो ये था बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन एंड हाउ आई एम चेंजिंग रोटेशनल मोशन इनटू इट्स फॉर्म वेर आई एम यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज वन ऑफ माई टूल्स. एंड वी विल बी प्रोसीडिंग with this moment of inertia in our next goal. I hope you have got this thing clear. देखो तुम्हारा kinetic energy का form अभी किसने बदल गया, half I omega square. Translation में हम लोग ऐसे use करते थे, अब rotation this is called rotational form of the kinetic energy, rotational form of this kinetic energy. Beautiful सा चीज है. चलो सर अगले वाला बोर्ड पे सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही करेंगे. तब तक के लिए इसको अच्छे से देखो, समझो
डाउट हो मुझे बताना और मैं हट जा रहा हूं तो इसको अच्छे से समझो। ओके हैव अ लुक। तो सर चलो आगे बढ़ते ये वाला बोर्ड पे। सर मैंने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। सर क्या है अभी जो हमने देखा, सर क्या आपने देखा? मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट। सर आपने सर्कुलर मोशन ऐसे किए थे, बोला हाँ सर आपने अभी ऐसे दिखाया था। सर ये था एक्सिस, ये था ऑब्जेक्ट। सर व्हाट इज स्पेशल फंडा, तुम्हें पता था? सर एक्सिस देखो तुम्हारा ऐसा था, देखो ये एक्सिस था, मैंने एक डॉट से एक्सिस को डिनोट किया था। अब एक्सिस और रस्सी के बीच 90 डिग्री था, देखो याद है एक्सिस और रस्सी के बीच, तुम एक्सिस को देख नहीं पा रहे हो ना। चलो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये हुआ तुम्हारा एक्सिस, ये हुआ तुम्हारा एक्सिस, क्या एक्सिस? फिक्स एक्सिस। और ये हुआ रस्सी और ये हुआ ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच तुम्हारा एंगुलर लाइन। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the fixed axis, if it is R, then moment of inertia of that discrete object about that fixed axis is given as mgr. So, इस क्राइटेरिया को ध्यान से देखो, कोई भी बुक में ऐसा नहीं लिखा होगा कि एक्सिस से तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस R होना चाहिए, और R को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। R को क्या होना चाहिए, क्या डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सर दिस हैज टू बी परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या हो सकता है? हाँ चलो सर मैं ये परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, ये सोचो तुम्हारा एक्सिस हुआ, ये एक्सिस हुआ, अब ये सोचो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ, और ऐसे एक होता है ना, एक होता है तुम देखे थे कि ये एक रॉड है, ये ऑब्जेक्ट है ऐसे घूम रहा। हाँ सोच लो ये रस्सी मासलेस है, सोच लो और ऑब्जेक्ट ऐसा है, एम है, और वो घूम कैसे रहा है, वो घूम रहा है ऐसा। इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज आर, दिस इज थीटा। बट व्हाट वी वांट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Is this the perpendicular distance? This is not the perpendicular distance. What I require? You require this small r. You require this small r. And the small r is nothing. Jisko pata tha, r sin theta. Small r is nothing but r sin theta. So a small object, aise ghum raha hai, dekho, aise. Dekho, hum log jab rotation hote hai na, to aise sign dete. Aise sign. Dekho, main aise sign diya. Ghumna. Ghumna ka matlab aisa sign. Aisa ya fir aisa. तो यहां पर क्या हो रहे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट द फिक्स एक्सिस इज गिवन एज एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर sin square theta. And what is the theta? Theta is the angle between the swing. Dekho, angle between the swing and the axis. Angle between the swing and the axis. So, ye hua tumhara perfect example jab wo 90 degree pe nahi rahega. अब सर क्या, सर हर वक्त डिस्क्रीट के हिसाब से करोगे? नहीं सर। सर यहां पर एक भी हो सकता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, अब देखो सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, सिस्टम का मतलब हर एक बहुत सारा छोटा 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 ऑब्जेक्ट होगा, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर, इज इट ओनली जस्ट निकालने के लिए? नहीं सर, निकालने के लिए बहुत सारा एग्जाम्पशन है। क्या एग्जाम्पशन है सर? यहां पर एक लाइन में ड्रॉ करो और एक सिनारियो में देखो, ये एक्सिस हुआ, एक रस्सी से एक ऑब्जेक्ट ऐसा कनेक्ट करें, दूसरा रस्सी से एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट करें, और तीसरा रस्सी से ये ऑब्जेक्ट। ओके अब ध्यान से देखो,
इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3, ये रेडियस r1, ये रेडियस r2, ये रेडियस r3। जब एक्सिस घूम रहा है, जब एक्सिस घूम रहा है, सबका एंगुलर स्पीड सेम होगा। एवरी वन विल हैव द सेम एंगुलर स्पीड बिकॉज एक्सिस से सब कनेक्टेड है। अगर ये ऐसा घूमेगा, मतलब एक्सिस को ऐसे अगर घुमा, एक्सिस जनरली फिक्स रहता है ना, ऐसे तुमको एग्जांपल के हिसाब से दिखा रहा हूं, सब लोग घूमेगा तो एवरीवन विल हैव द सेम एंगुलर स्पीड। देखो ये पूरा ऊपर वाला अगर पूरा एक सर्कल मारेगा तो ये भी एक सर्कल मारेगा, ये भी एक सर्कल मारेगा। ओके, सो इट मींस ओमेगा इज सेम, सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। अगर ये होता है, अगर ये कंडीशन होता है कि ओमेगा इज सेम फॉर ऑल, देन वी विल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या बोलेंगे, m1 m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 square। This is beautiful, this is beautiful, because these are the perpendicular distances, these are the perpendicular distances, these are the perpendicular distances। So this is the basic concept of moment of inertia of a discrete object where axis can be tilted, the length of the rope can be tilted with the axis. Okay, we need to find the perpendicular distance. अब सर क्या करेंगे, अब सर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट में, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट जैसे रिंग, सर रिंग हाँ सर रॉड डिस्क ऐसे सारा इसका मोमेंट निकालेंगे वन बाई। So I hope you have got this thing clear enough. मैं हट जा रहा हूँ, doubt हो obviously मैं interact करूंगा, सब देख लो समझ लो और लिख लो। ओके ये ठगा दो। तो सर चलो शुरू करते हैं सर, moment of inertia of a rod, ring and disc एक एक करके करेंगे। सर क्या है, first हमको चाहिए सर, what we require, मुझे axis चाहिए ना, axis। ये तो मैं draw कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अब रॉड कैसे कनेक्टेड है सर, एज्यूम कर लो ना सर रॉड ऐसा ही कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया सर। ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसा घूम रहा है। नाउ यहां पर दो पॉइंट, दो पॉइंट सर, एज्यूमिंग, एज्यूमिंग याद रखो, एज्यूमिंग रॉड इज ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। सर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है सर, सिंपल वन लाइनर बताओ सर, रॉड का डेंसिटी सेम है सर, सेम डेंसिटी, रॉड रॉड का क्या सेम है सर, डेंसिटी सेम है, हर वक्त हर जगह पे सेम सेम पोर्शन ऑफ मास। ओके, सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा सर। व्हाट वी रिक्वायर, वी रिक्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट the fixed axis, तुम्हें इस fixed axis के अबाउट इस rod का moment of inertia निकालना पड़ेगा। तो सर कैसे निकालेंगे, now सर continuous object का हमें पता नहीं है, हमें discrete का पता है। तो सर rod का कोई dimension दिया हुआ है, हाँ ऐसे दिया हुआ है, देखो m slash l, m slash l का मतलब mass है l, length है l, at a distance x, now one more thing, the rod is perpendicular, हाँ the rod is perpendicular, at a distance x, let's choose a small segment dx, now ये dx का mass क्या है, dm होगा mass, sir क्या होगा, sir m by l, पूरा rod का mass है l, और छोटा सेगमेंट क्या है dx, I hope this is very unitary method, सर dm है m by l into dx, बढ़िया है सर। अब ये हुआ तुम्हारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट, इस छोटा सा ऑब्जेक्ट का एक्सिस के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे di, मतलब छोटा ऑब्जेक्ट के लिए di, dm, dm into कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है ये एक्सिस का, dm into dm ऑब्जेक्ट का मास कितना दूरी पर है एक्सिस को, ऐसे करते करते कितना कितना छोटा ऑब्जेक्ट है सर, यहां से शुरू करने के बाद एकदम l तक छोटा ऑब्जेक्ट है, तो सबका डिस्टेंस सेम है सर, सबका डिस्टेंस वेरी कर रहा है, इट इज वेरिंग विद x,
each and every distance is varying with x. So how I write? So total moment of inertia, kya likhenge? 0x, which is varying, x is varying from 0 to L. X is varying from 0 to L into DI. And we will write something like this. So dm into x square. And what is dm? m by l into dx. Bahut badhiya. So sir, 0 to l m by l into dx or x square. Now I hope you know the integration. Sir, kya integration? Kya? What? What's the integration? अरे यार सर, इसको m by l को निकाल दो, 0 to l x square dx. सर x square dx is x cube by 3. Yes. So moment of inertia about the axis. Where? What axis? What? Axis क्या है? सर एकदम इसको हम लोग बोलते हैं end axis. इसको हम लोग बोलते हैं end axis. End. मतलब end of the rod. End of the rod is fixed. End of the rod is fixed. तो अच्छा चलो, और इसको भी थोड़ा रॉड ही कर दो, थोड़ा रॉड ही कर दो. इसको हम लोग रिंग बना देंगे, इसको हम लोग रिंग बना. तो यहां पर लिखते आई अबाउट द एंड ऑफ द रॉड, आई अबाउट द एंड ऑफ द रॉड, आई अबाउट द एंड ऑफ द रॉड. क्या आ रहा है सर? m बाई एल बाहर है, x क्यूब बाई 3, zero to l. तो क्या बैठेगा यहां पर? सर यहां पर बैठेगा m by l, l cube by 3. सर l l कट हो गया, m l square. सो सर बहुत बढ़िया केस है. सर क्या हम लोग बोल सकते अभी कोई, दिस इज परपेंडिकुलर, तो इसको जनरलाइज कर दो. तो जनरलाइज के लिए क्या होना चाहिए? सर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो कोई भी रॉड है, कोई भी रॉड है जिसका मास m है, जिसका मास m है और जिसका लेंथ क्या है? l. जिसका लेंथ है l, तो मास m लेंथ l, मास m लेंथ l, रॉड का n से, रॉड का n से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, रॉड का n से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो m/l, तो हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड, देखो I अबाउट द एंड क्या लिखेंगे? सिंपल, मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड होल स्क्वायर बाय 3. मास ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड होल स्क्वायर बाय 3. याद करो. ओके चलो सर. एक रॉड की जगह दो रॉड होगा. चलो तो अच्छा, इसको चलो इसको हम रॉड ही पकड़ लेते, पूरा रॉड का सेगमेंट ही कर लेते. सर अगर रॉड तुम्हारा ऐसा टिल्टेड हो, थीटा, सर ये भी n / l, हाथ सारा है, तो क्या होगा? सर I अबाउट द एंड क्या होगा? I अबाउट द एंड, देखो हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट, स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट थीटा एंगल में टिल्टेड है, साइन थीटा एंगल में टिल्टेड है, और यहां पर ये थीटा है ना भाई, ये कांस्टेंट है, वेक्टर ये भी कांस्टेंट है, तो सेम होगा m l स्क्वायर बाय 3, सिर्फ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा लास्ट के साथ से, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? बहुत बढ़िया. अब सर एक स्पेशल केस, स्पेशल केस. तो जो तुम्हारा एक्सिस है, यहां पर एक रॉड है जिसका मास है m by 2 और जिसका लेंथ है l by 2. सर कैसे करेंगे? सर सिर्फ इस पोर्शन, ये पार्ट वन, तो I ऑफ वन अबाउट दिस फिक्स, अबाउट दिस फिक्स क्या लिखेंगे? सर पहले तो 1/3 निकाल डालो, ये होगा m by 2, बहुत बढ़िया, और ये क्या हो गया? l by 2 का होल स्क्वायर. सर l by 2 का होल स्क्वायर, l square by 4, 4 into, ऐसे लिखो 1/3 m l square by 8. ग्रेट. अब देखो सर एक सैंपल चीज, एक दूसरा पोर्शन यहां पर जोड़ दो, सेम आइडेंटिकल, मतलब m by 2 और l by 2, ये हो गया पोर्शन 2. तो i 2 क्या होगा? अरे सर दोनों तो सेम ओमेगा से घूम रहे ना, दोनों फिक्स्ड है, दोनों सेम ओमेगा से घूमेगा, तो इसका i 2 क्या होगा? सर वही सेम 1/3 m l square by 8.
तो पूरा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? सो आई ऑफ द टोटल रॉड, सर अबाउट दिस मिडल इज समेशन ऑफ दिस थिंग, वी आर जस्ट ब्रोकन इट इनटू टू पार्ट, यस सर, सो 1/3 एम एल स्क्वायर बाय 8 इनटू 2, यस सर, दिस इज समथिंग क्लासिक, 1/12 एम एल स्क्वायर। अगर तुमको अच्छा लगे ये चीज तो भाई घर से ताली बजाओ, क्योंकि ये सब चीज बुक में नहीं रहता है। ओके, तो मैं कंप्लीट रॉड का मिडिल पोर्शन में कैसे निकाल दूं? तो दिस इज अ वेरी इजी थिंग, कोई भी पोर्शन तो ये ऐसे, तो एक पोर्शन तो 90 लो, एक पोर्शन 90 लो, बना सकते हो। ब्यूटीफुल सा चीज है, बहुत ही बढ़िया और यूनिक चीज है, इसको एकदम अच्छे से देखो, समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ के रहेंगे। बहुत लोग बोलेगा सर ये तो कहीं फॉर्मूला से आ सकता है, आ सकते हैं बिल्कुल, बट ये एक यूनिक चीज है कि एक चीज अगर सीख लेंगे तो बाकी सारा पोर्शन आराम से। ओके, तो टिल दिस ब्यूटीफुल थिंग है, आराम से देखो, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो, मैं तेरा हाथ जा रहा हूँ।